पूर्व सांसद विधायक कांग्रेस नेता को याद करने कांग्रेसी जुटे विवेकानंद पार्क में। दिग्गज कांग्रेसी नेता श्रीनिवास तिवारी के पुत्र थे सुंदरलाल तिवारी। कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेसी अपने नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी को याद करने, उनके संस्मरणों को सुनाने, सुनने उनके बताए रास्ते पर चलने की बात करने भारी तादाद में एकत्र हुए। हम आपको बता दें, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी विंध्य ही नहीं प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता श्रीनिवास तिवारी के छोटे पुत्र थे। राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने वाले स्वर्गीय सुंदरलाल ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजा को और सुंदरलाल तिवारी जी हमारे विंध्य के लाडले नेता थे और प्रखर वक्ता थे, और उनके मन में जो बात रहती थी वो सामने रहती थी, वो किसी निर्भीक होकर कोई भी बात अपने रखते थे। आज उनके जाने से हमारा जो रीवा है, जिले के लोग हैं, सतना के लोग हैं, जालौर के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पूरा प्रदेश दुखी है। के नेता और विंध्य में मध्य प्रदेश की आवाज़ उठाने वाले, रीवा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद और विधायक आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी का जाना हमारे लिए विंध्य में कांग्रेस की स्तब्धता है। और जिस तरह से एक सूरज एकाएक ओझल हो गया, उस तरह कांग्रेस पार्टी रीवा में बिना सुंदरलाल तिवारी के असहमत दिखेगी, असहज दिखेगी। हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम सब कांग्रेस में उन सब के विचारों को लेकर उनकी जो परिकल्पना थी उसको साकार करें। ऐसे व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आने वाले लोकसभा में